हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दयाल क्लासेस में। सो गाइस, आज हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और जो है इलेक्ट्रिसिटी सीरीज, जिसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सो गाइस, आज हम लोग एकदम बेसिक पार्ट पढ़ेंगे और बहुत ही इंट्रोडक्शन पार्ट और बहुत ही चिंटू मिंटू सा पार्ट, जो आपको सब कुछ एक बार में समझ में आ जाएगा। सो गाइस, अगर चैनल पे नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और सुपर्ब होने वाली है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का गाइस सिंपल मीनिंग होता है बिजली। क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, सुनते दिमाग में क्या चलना चाहिए कि भाई बिजली होता है। क्या होता है? बिजली, ठीक है। और अगर थोड़ा इसको साइंस के टर्म में समझना है तो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ चार्जेस। जहां पे भी चार्जेस रहेगा, चार्जेस आपके क्या क्या हो सकते हैं, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, तो समझना कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई सिस्टम चलेगा, ठीक है। आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना है, बस मैंने हल्का फुल्का सा बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी सुनते दिमाग में चले कि भाई बिजली, बिजली से क्या क्या होता है, बल्ब जलता है, लैपटॉप चार्ज होता है, मोबाइल चार्ज होता है, पंखा चलता है, तो ये क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। मतलब सिंपल भाषा में, इजी वर्ड में समझो तो, और छोटा मोटा समझ सकते हो तो प्रेजेंस ऑफ चार्जेस, मतलब जहां पे भी चार्जेस रहे तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सिंपल सी बात, आपका नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो सकता है, तो वहां पे समझना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। अब समझते हैं कुछ आगे। अब गाइस, यहां पे लिखा हुआ है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप की होती है, सबसे पहले आता है हमारा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब गाइस यहां पे ध्यान से सुनना, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में अभी हम लोग चार्जेस की स्टडी करते हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी हम लोग चार्जेस की स्टडी करते हैं, तो सर मेरे को एक चीज बताओ दोनों में अंतर क्या है। तो भाई दो मिनट में समझो, सब समझ में आ जाएगा। स्टैटिक सुनते ही दिमाग में चलना चाहिए रेस्ट, स्टैटिक सुनते ही दिमाग में चलना चाहिए रेस्ट। क्या चलना चाहिए? रेस्ट। स्टैटिक सुनते ही आपके दिमाग में चलना चाहिए भाई रेस्ट। तो अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि हम लोग रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। किसका रेस्ट के बारे में? चार्जेस। किसके रेस्ट के बारे में? चार्जेस। जब भी हमारे चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो हम लोग उस ब्रांच को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या मैंने बोला? जब भी हमारे चार्जेस रेस्ट में होते हैं तो उस ब्रांच को बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे भी हम लोग स्टडी ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है गाइस, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोशन। मोशन मतलब क्या होता है? चलना। मोशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का चलना। आखिरकार भाई किसका चलना? चार्जेस का चलना। चार्जेस का चलना। क्या गाइस? चार्जेस का चलना, या फिर सिंपल मीनिंग में समझो तो चार्जेस का फ्लो होना। फ्लोइंग ऑफ चार्जेस या चार्जेस का चलना, बात बराबर है, कोई भी दिक्कत। जब भी मेरी चार्ज चलेगी तो वो किस ब्रांच में आएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो गाइस, आप लोग एक चीज अपने माइंड में सेटअप कर लो कि आपको क्लास 10 में सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है और आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना नहीं है। ये आपको 11-12 में पढ़ना है, पर आपको सिर्फ क्लास 10 में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना आती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, सबसे बड़ा पैरामीटर और सबसे छोटा सा चीज जो आपको इस चैप्टर में हर जगह दिखेगा, भाई ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, चार्ज क्या है? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इंट्रिंसिक बोलने का मतलब क्या होता है सर? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल मतलब बेसिक प्रॉपर्टी। सर मेरे को यह वर्ड समझ में नहीं है, अच्छे से समझा दो। भाई ध्यान से सुनना, मतलब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलने का मतलब कि भाई इसके बारे में मेरे को ज्यादा नहीं पता। इंट्रिंसिक मतलब कि बस इतना ही होता है, साइंटिस्ट ने बताया है। और थोड़ा अच्छे से समझना है तो समझो क्या कि जैसे इंट्रिंसिक बोलने का मतलब चार्ज किससे बना है यह चीज किसी को पता नहीं है। आखिरकार ये चार्ज किससे बना है यह चीज किसी को पता नहीं है, ठीक है। अब जैसे और एक बात, मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है।
सर इंट्रिंसिक बोलने का मतलब मास किससे बना है ये मेरे को पता नहीं है, ठीक ऐसा ही चार्ज भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि भाई चार्ज किससे बना है ये मेरे को पता नहीं है। मतलब सिंपल सी बात कि चार्ज के बारे में मेरे को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है और इसीलिए इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। हाँ मेरे को ये पता है कि इसका थिंकिंग साइंटिस्ट लोग से कहां से है पर चार्ज किससे बना है यह चीज किसी को पता नहीं है, इसलिए इसको इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। इंट्रिंसिक मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मतलब इसका फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सीधी भाषा में समझो तो ठीक है। और चार्ज का सबसे पहले हुआ था ग्रीक 600 BC में, ठीक है। आखिरकार ये चार्ज आया कैसे साइंटिस्ट के माइंड में, उन्होंने क्या किया कि दो ऐसे करके सरफेस लिया, उसको आपस में ऐसे करके रब किया तो फिर इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकला, फिर उसमें से क्या देखा गया कि जो भी मेरा सरफेस है वो किसी भी आयरन मटेरियल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसे ही करते करते चार्ज किया कॉन्सेप्ट आया। उतना आपको जानने का जरूरत नहीं है, बस आपको बेसिक चीजें जाननी है कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैंने ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से फील कराया जबकि 10th में इतना कोई नहीं बताता है, ठीक है। इंट्रिंसिक क्या होता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और भाई इसका फर्दर एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है। बोलने का मतलब चार्ज किससे बना है ये मेरे को पता नहीं है, साइंटिस्ट ने बताया इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी, और ऐसा ही मिलता जुलता इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मास होता है। क्या आपको पता है मास किससे बना है, पता नहीं है। और आपको मैटर तो पता होगा, मैटर मतलब कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज क्या है मैटर, भाई मैटर एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर मास हो, कुछ भार हो और कोई वो जगह ऑक्युपाई करे, उसी को हम लोग मैटर बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, यहां पे इसका सिंबल क्यू होता है, फिजिक्स में हम लोग इसको क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू आपको देखने को मिलेगा, बात बराबर है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, आपको याद कर लेना है। और ये स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्या होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सर मेरे को नहीं समझ में आता है क्या होता है, भाई मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ नंबर या फिर सिंपल वर्ड में समझो वैल्यू। क्या होता है मैग्नीट्यूड मतलब नंबर या सिंपल वर्ड में समझो तो वैल्यू, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये क्या है मैग्नीट्यूड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, चार्जेस दो टाइप के होते हैं, सबसे पहला पॉजिटिव चार्जेस और दूसरा होता है नेगेटिव चार्जेस, ये आपको याद करना है। सब दो टाइप के चार्जेस होते हैं भाई, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, प्लस प्लस रिपेल करते हैं, रिपेल मतलब दूर जाना, रिपेल मतलब दूर जाना, रिपेल मतलब गाइस दूर जाना, ठीक है। जब भी प्लस प्लस चार्ज को तुम सामने लाओगे तो वो लोग दूर जाएंगे, माइनस माइनस को सामने लाओगे तो वो दूर जाएंगे, ठीक है। वैसा ही देखा गया, जब आप प्लस माइनस को लाते हैं तो अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट मतलब सामने आना, और जब आप माइनस प्लस को लाते हैं तब भी वो अट्रैक्ट होता है। सर मेरे को इतना कंफ्यूजन है, याद कैसे रहेगा, सिंपल सी बात भाई, इसका एक ही ट्रिक है, याद रखना सेम चार्जेस रिपेल इच अदर, मतलब एक जैसा चार्ज रहे तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। बोलने का मतलब एक जैसा चार्ज, दोनों प्लस प्लस है या दोनों माइनस माइनस है, तो दोनों में चार्ज क्या है सेम, जब भी चार्ज रहेगी सेम तो वो होगा रिपेल, रिपेल मतलब दूर जाना। और जब भी अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस मतलब जब दोनों अलग अलग चार्ज रहेंगे तो वो अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होना मतलब पास आना, ठीक है गाइज। अब गाइज इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आखिरकार ये सर क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है मेरे को नहीं समझ में आता, भाई सिंपल बात में समझो, क्वांटाइजेशन मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। मैंने क्या लिखा है, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, मतलब कोई एक फिक्स्ड अमाउंट में हो, ये तो मैंने अंग्रेजी में बोल दी। अब भाई हिंदी में बता दे पूरा पूरा, ये भी नहीं समझ में आया तो भाई गोटा, गोटा तो बहुत क्योंकि समझ में आता होगा, गोटा मतलब एकदम पूरा, अभी भी सर मेरे को फील नहीं आया। तो आपको एक चीज अपने माइंड में क्या करना है, जैसे अवेलेबल इन फिक्स अमाउंट, जरा आप तुम समझो फिक्स अमाउंट में क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मान लो तुम अपने किसी दोस्त से पेन मांग रहे हो तो तुम क्या बोलोगे, भाई मेरे को एक पेन दो मैं पेन नहीं लाया हूं, भाई मेरे को दो पेन दो, तीन पेन दो, चार पेन दो। कभी आज तक तुमने ऐसा बोला है कि भाई मेरे को अढ़ाई पेन दो या 2.5 पेन दो या 2.3 पेन दो, बोलेगा यार पागल वागल हो गया क्या बोल रहे हो भाई, ठीक है। ऐसा ही चीज अगर जैसे मान लो कि आप किसी को नोटबुक देते हो तो भाई ये ले मेरी दो नोटबुक तू रख ले, चार चार नोटबुक रख ले, कभी ऐसा बोला है भाई 4.5 नोटबुक रख ले, 4.2 नोटबुक रख ले। तो आपने एक चीज क्या समझा, क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, गोटा पूरा पूरी, कोई फ्रैक्शन और कोई डेसिमल का चक्कर नहीं। अब आपको समझ में आया, क्वांटाइजेशन मतलब अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट,
गोटा गोटा, ठीक है, पूरा पूरा, या फिर इजी वर्ड में कोई डेसिमल नहीं, कोई फ्रैक्शन नहीं। आया आपको बात समझ में? अब इसका सबसे पहला पॉइंट समझो, बहुत अच्छे से बता रहा हूं। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान से समझना, सबसे छोटा चार्ज कौन होता है? वन इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा चार्ज कौन होता है? वन इलेक्ट्रॉन। और उसकी वैल्यू क्या होती है? वन इलेक्ट्रॉन की 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। और इसी को हम लोग फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं। फंडामेंटल चार्ज मतलब बेसिक चार्ज। फंडामेंटल चार्ज मतलब बेसिक चार्ज। अगर आपसे कोई बोले कि भाई फंडामेंटल चार्ज क्या है, तो आप बोलोगे वन इलेक्ट्रॉन। और ये सबसे छोटा चार्ज होता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर इससे भी तो छोटा चार्ज पाया गया है। हाँ मेरे भाई, इससे भी छोटा चार्ज पाया गया है साइंटिस्ट के द्वारा। उसको हम लोग बोलते हैं क्वार्क्स या फिर एंटी क्वार्क्स, ठीक है, वो इससे भी छोटा पाया गया है। तो सर हम लोग फिजिक्स में उसको कंसीडर अभी तक क्यों नहीं कर रहे हैं? तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज आ गया है, पर उसको कंसीडर्ड इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली नहीं है। इंडिपेंडेंटली नहीं है, पर मेरा इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंटली है, इसी के चलते हम लोग अभी तक उसको कंसीडर्ड कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत गाइस? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसका प्रॉपर डेफिनेशन, द चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। सर मेरे को यह वर्ड नहीं समझ में आया, तो भाई सिंपल समझो, आसान भाषा में, ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो आपको एक माइंड में अपना सेटअप कर लेना है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो क्या सर प्रोटॉन कभी जिंदगी में ट्रांसफर होगा? नहीं मेरे भाई, प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं होता है, वो हमेशा न्यूक्लियस में रहता है और वो फिक्स होता है, वो अपने जगह से हिलता डुलता भी नहीं है। तो हिलता डुलता कौन है? इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर किसकी होती है? इलेक्ट्रॉन की होती है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। अब आपको फील आया, चलिए सर मैंने आपका बात मान लिया, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, पर कैसा ट्रांसफर होता है? गोटा गोटा। कैसा ट्रांसफर होता है? गोटा गोटा या फिर पूरा पूरा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, वैसे ही माइनस एक इलेक्ट्रॉन, माइनस दो इलेक्ट्रॉन, माइनस तीन इलेक्ट्रॉन। अब 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, -3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। यही मैं आपको बता रहा था कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में भी ट्रांसफर गोटा गोटा होता है, कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में ट्रांसफर नहीं होगा। कभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में -3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा या फिर 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। जाएगा तो कैसा जाएगा? गोटा गोटा। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है? अब इंटीग्रल बोलने का मतलब क्या होता है? इंटीजर होता है। इंटीग्रल बोलने का मतलब क्या होता है? इंटीजर। और इंटीजर मतलब क्या होता है? गोटा नंबर। इंटीजर मतलब गोटा नंबर, फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं और डेसिमल वाला नंबर भी नहीं। कोई भी दिक्कत गाइस? अब यहां पे एक फॉर्मूला आता है जो आपको याद रखना है, क्यू इज इक्वल टू एन ई। आखिरकार ये क्यू क्या होता है? चार्ज ऑन एनी बॉडी। N क्या होता है? इंटीजर। और E क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना है, दैट इज 1.6 × 10⁻¹⁹। कोई भी दिक्कत गाइस? अब बनाते हैं एक मस्त सा सवाल। सो गाइस, ये रहा इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कैन अ चार्ज ऑफ +8 × 10⁻¹⁸ कूलम्ब बी गिवन टू अ बॉडी? ठीक है, तो ये अब यहां पे मैं लगा रहा हूं, मेरे को चार्ज निकालना है। कैन अ चार्ज ऑफ इतना कैन बी गिवन टू अ बॉडी? ठीक है। सो अब मैंने आपको एक चीज क्या बताया था कि भाई एन मेरा क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एन इंटीजर आना चाहिए। इंटीजर मतलब क्या होता है? गोटा। इंटीजर मतलब क्या होता है? गोटा। कोई भी डेसिमल और कोई भी फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए जब मैं आंसर लाऊंगा तब। तो क्यू इज इक्वल टू एनी, बॉडी पे चार्ज कितना है? 8 × 10⁻¹⁸ कूलम, एन इंटू 1.6। अब यहां ये था मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड, सो 8/1.6 बेस सेम, डिवाइड में क्या हो जाता है ऊपर जाके प्लस, 8/1.6 × 10⁻¹⁸ प्लस 1/1.6 10^1, फिर इधर था पॉइंट ऊपर चल गया 10, 8 × 10 × 10/16, सो 8 × 2 = 25, तो एन की वैल्यू क्या आ गई? प्लस 50। तो प्लस 50 क्या है? ये गोटा नंबर है। क्या यहां पे कोई भी डेसिमल दिखाई दे रहा है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ये इंटीजर है। और हां आंसर क्या होगा? यस, मेरे से क्या पूछा था? कैन। तो यस,
एक बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है। अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गाइस बोर्ड्स में बहुत पूछता है, इसलिए ये क्वेश्चन को अच्छे से देखो। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। मेरे को एन निकालना है, क्यू दिया हुआ है 1 कूलम्ब, तो यहां पे क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्यू के जगह मैंने 1 रख दिया, एन निकालना। ई क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻¹¹। अब एन निकालना, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, ठीक है। सो एक चीज और, यहां पे ये था पॉइंट में, ऊपर चल जाएगा 10, सो अब ये कटेगा 2528 जा, ठीक है। फिर गाइज यहां पे जब मैंने 5/8 को डिवाइड किया तो आया 0.625, -19 था, ऊपर जाके +19। अब गाइज एन की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे 0.625 थी और यहां पे एन वैल्यू 625। अब देखो गाइज, आपको चीज नहीं पता है तो ध्यान से देखना मैं क्या बता दे रहा हूं। अगर पॉइंट का शिफ्ट, अगर आपको नहीं पता है तो मैथ्स का नियम है, नहीं पता है तो देख लो, अगर पॉइंट का शिफ्ट लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, तो हम लोग उतने बार 10 का पावर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर लेफ्ट टू राइट पॉइंट का शिफ्टिंग 2 बार हुआ तो 10^-2, 3 बार हुआ तो 10^-3, 1 बार हुआ तो 10^-1। जितने बार भी लेफ्ट टू राइट पॉइंट शिफ्ट होगा उतने बार 10^-1 में जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखो गाइज, ये लेफ्ट में है पॉइंट, ये पॉइंट कहां है, लेफ्ट में, लेफ्ट से कहां जा रहे हैं हम लोग, राइट में। कितने बार शिफ्ट हुए, 1 बार शिफ्ट हुए, तो कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 10^-1, 6.25, 10^-19, 10^-1, 6.25, 19, जब बेस सेम तो ऐड हो जाता है पावर, 19+-1, 18। और एक चीज बता दे रहा हूं, अगर जब भी पॉइंट राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो 10^ उतने बार ऐड होगा, 10^ उतने बार ऐड होगा, और यहां पे क्या होगा, 10^ माइनस में होगा, ठीक है। राइट टू लेफ्ट जाएंगे तब क्या होगा, 10^ ऐड होगा। ये छोटा सा ट्रिक था, आप लोग याद कर लेना। अब आपके मन में एक सवाल आया कि सर आपने बताया था कि एन तो कभी डेसिमल में नहीं आता है, तो सर यहां पे ये पॉइंट कैसे दिखाई दे रहा है, आप बोल रहे हो कि आंसर सही है। अरे मेरे भाई, एक बात जरा ध्यान से सुनना, यहां पे ये लिखने का तरीका है, पर अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो जरा ध्यान से देखना, 6.25 × 10^18 है, मतलब 10 कितने बार है, 18 बार, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब 6, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब दो पॉइंट बैठाना है तो देखो गाइज, ये इतना बड़ा आ गया मेरा एन का वैल्यू, क्या ये अब आपको दिखाई दे रहा है डेसिमल में, नहीं। तो गाइज ये बस कॉपी में लिखने का तरीका है, ठीक है, ये बस ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका। क्या मैं कॉपी में इतना बड़ा 00 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, इसलिए मैं इसे इस फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है गाइस। सो इसी के साथ हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ फिनिश। अगर आपको किसी भी चीज में कोई भी दिक्कत हो सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, बाय बाय, सी यू ऑल, टेक केयर।